हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं 45 डेज बाद घर आ रही हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ और थोड़ी टेंस भी हूँ कि पता नहीं मेरे हस्बैंड ने मेरा घर किस हाल में रखा होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना घर, मेरे हस्बैंड ने इसे किस हाल में रखा है इन 45 डेज में। ठन ठन। तो ये नहीं, ये है मेरा घर। तो ये है मेरा बेडरूम और ये देखिए, ये वही बेडशीट डला हुआ है जो मैं 45 डेज पहले जब जा रही थी तब डाल रखा था। तो मैं आपको इसे फ्लैशबैक में दिखाती हूँ। ये देखिए, उस दिन भी यही बेडशीट डला हुआ था, यानी कि हमेशा की तरह इस बार भी मेरे हस्बैंड ने बेडशीट चेंज नहीं किया है। तो घर काफ़ी गंदा हो रखा है, मुझे बहुत सफाई करनी होगी। तो चलिए अभी मैं आपको मेरा किचन दिखाती हूँ। ओ माय गॉड, ये मेरे पूरे किचन को किसने बिखेर दिया? ये सब इतना गंदा क्यों हो गया? सारा किचन बिखरा पड़ा है। विंडो तो क्लोज है, फिर ये कैसे हो गया? तो मेरे हस्बैंड को कुकिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो मैं जो डोर क्लोज करके गई थी वो क्लोज ही था, पर बट ये किसने किया समझ में नहीं आ रहा है। कोई घुसा तो नहीं? अच्छा, तो ये आपका काम है। तो आपकी एंट्री यहाँ से हुई? ओके, गुड मॉर्निंग, आप सर हो या मैडम? तो ये देखिए, पाकुड़ के पिजन भी इतने एडवांस है कि फ्लैट में रहना पसंद करते हैं। अरे यार, अब मैं कुकिंग कैसे करूँगी? और ये आटे के डब्बे पे बैठी है, थोड़ा फ्लाई कीजिए मैडम। ये तो डर भी नहीं रही है मुझसे, अब क्या करूँ? सारी गलती मेरे हस्बैंड की है, घर का ख्याल भी नहीं रख सकते। तो अभी पिजन है नहीं, तो मैं ट्राई करती हूँ ऊपर देखने का। अरे वाह, तो ये बात है, अरे ये तो गुड न्यूज़ है। सुनिए ना, कम फास्ट, मुझे तो पहले ही अपने हस्बैंड पे भरोसा नहीं था। मेरे अब्सेंट में ये क्या कांड किया है आपने? ये देखिए, इधर देखिए। तो मैंने ये सोचा था कि पिजन को उड़ा दूंगी और नेस्ट को हटा दूंगी, क्योंकि घर के अंदर पिजन नहीं रखा जाता है, बट इस सिचुएशन में मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तो मैं अपना किचन कहीं और ट्रांसफ़र कर लूंगी, इन द सेंस हॉल वॉल में कुकिंग कर लूंगी, ताकि इसे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। वो मुझे देख रही है कि मैं उसके एग्स को कुछ नुकसान ना पहुंचा दूं, बट बड़े प्यारे क्यूट से एग हैं, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। पता नहीं इसे आज क्या हो गया है, बहुत उछल कूद मचा रही है। हेलो, वेलकम टू माय न्यू होम, बी स्माइल। तो 20 डेज बाद एग्स फूट गए हैं और पिजन के प्यारे प्यारे छोटे से बच्चे आ गए हैं। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, ये अभी 1 डे के ही हैं। तो अभी भी इसे मैं हटाऊंगी नहीं इनके ग्रोथ होने तक। तो 25 डेज बाद इनके विंग आ गए हैं। ये ट्राई तो कर रही है उड़ने की, बट ये उड़ नहीं पा रही है। तो जब ये फ्लाई करने लगेगी तो मैं इसके नेस्ट को हटा दूंगी और इसके एंट्री को भी ब्लॉक कर दूंगी, ताकि ये वापस ना आ सके। फिर मैं अपना किचन यहाँ सेट कर लूंगी, क्योंकि 1-1 से भी अधिक हो गया है टाइम।
तो ये देखिए, ये फ्लाई करने की कोशिश कर रही थी और नीचे गिर गई, ये देखिए। तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है इसे टच करने में, तो मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं इसे उठाकर ऊपर रखने में। तो ये देखिए, ये वहाँ कोने में जाकर बैठ गई है। तो ये फिर से गिर गई थी, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में आई है। अब इसे हम लोग ट्राई कर रहे हैं ऊपर रखने का। तो इसे वापस रखने की कोशिश कर रहे हैं और ये उड़ गई, बाहर चली गई। ओह माय गॉड, नॉट अगेन। तो इसने फिर से दो एक दे दिए हैं और आज मैं इसे हटाने वाली थी, अब मैं हटा नहीं पाऊंगी। तो ये देखिए, फिर से एक फूटा है और पिजन के एक बच्चे बाहर आ गए हैं। अभी दूसरा नहीं निकला है, वो भी आ जाएगा जल्द। इसका थोड़ा ग्रोथ हुआ है, ये पूरे टाइम सोते ही रहती है दोनों छोटे बेबी की तरह। आज ये भी उड़ गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।